हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ब्रोटोमोटिव पर। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित और आज हमारे पास आई है डिटेलिंग के लिए फोक्सवैगन बीटल जो कि 2011 मॉडल है। इस गाड़ी पर करने वाले हैं हम सिरेमिक कोटिंग, साथ ही साथ इसके व्हील्स भी हम पेंट करने वाले हैं, हेडलाइट्स को भी रिस्टोर करने वाले हैं। गाड़ी का बिफोर कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी काफ़ी डेटेड लगने लगी थी। गाड़ी पर बहुत ज़्यादा स्वेल मार्क्स आ चुके थे, काफ़ी सारे माइनस स्क्रैचेस भी थे, हेडलाइट्स भी काफ़ी फेडेड लग रही थी। उसके अलावा गाड़ी पर हार्ड वाटर डिपॉजिट्स भी काफ़ी थे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेलिंग का प्रोसेस, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर द ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। जैसा कि हम हर बार डिटेलिंग के प्रोसेस में करते हैं, सबसे पहले हम गाड़ी के एजेस एंड कॉर्नर्स पर से हार्ड वाटर रिमूव कर लेंगे। हम इंजन की भी बेसिक क्लीनिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम गाड़ी को अच्छे से वॉश करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। वॉशिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम सारे रबर्स एंड प्लास्टिक ट्रिम्स को अच्छे से मास्किंग कर रहे हैं और एक बार जब मास्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम गाड़ी पर कंपाउंडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। गाड़ी पर जितने मेजर पेंट डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे हम कंपाउंडिंग में हटाते हैं। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जैसे हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, उसके लिए हमें लगता है टूथपेस्ट एंड टूथब्रश और वो हमारे दांत मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसी तरीके से पेंट मेंटेन करने में या पेंट के ऊपर से पीलापन, ऑक्सीडेशन या स्क्रैचेस हटाने में हमें कंपाउंडिंग पैड एंड कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। तो जितने क्लियर कोट के ऊपर के स्क्रैचेस हैं वो सब हम कंपाउंडिंग से हटा लेते हैं। गाड़ी पे सारे स्वेल मार्क्स भी हम कंपाउंडिंग से हटा लेते हैं और उसके बाद क्योंकि कंपाउंडिंग पैड थोड़ा स्ट्रांग रहता है, हमें ज़रूरत पड़ती है एक फोम पैड की, जिसमें हम अच्छे से पॉलिशिंग करके जो कंपाउंडिंग पैड के सारे निशान थे उन सबको भी हम रिमूव कर लेते हैं। एक्सटीरियर सरफेस हमने कंपाउंड एंड पॉलिश कर दिया है, एक्सटीरियर सरफेस अब रेडी हो चुका है सिरेमिक कोटिंग के एप्लीकेशन के लिए, पर उसके लिए हम पहले आईपीए क्लीनिंग भी करेंगे जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी चलते हैं इंटीरियर क्लीनिंग की तरफ। बहुत लोग हमसे वीडियो में पूछते हैं कि आप इंटीरियर क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग पर्सनली प्रोफेशनल ग्रेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। इंटीरियर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो क्लीनर हम यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ का हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो माइल्ड क्लीनर हो और ज़्यादातर प्रोफेशनल ग्रेड प्रोडक्ट्स माइल्ड ही रहते हैं। आप इसको MPC या APC बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ क्लीनर या फिर ऑल पर्पज़ क्लीनर। और ये गाड़ी पर इंटीरियर क्लीनिंग के लिए जब यूज़ होता है तो इसे पहले डाइल्यूट भी किया जाता है। वो रेशियोज़ वेरी करते हैं, ये 1:5, 1:10, 1:15 में हम इसे डाइल्यूट करते हैं विद वाटर। जल्दी हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, अगर आपको आपकी गाड़ी के लिए इंटीरियर क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ख़रीद पाएंगे। और अगर आप अभी ये प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पर जाके भी APC या MPC एज इन फुल फॉर्म में ऑल पर्पज़ क्लीनर सर्च कर सकते हैं, तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे।
बट प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स जब भी अपनी गाड़ी पर यूज़ करें तो उन्हें डाइल्यूट करके यूज़ करें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये प्रोडक्ट्स जो हैं आपके ट्रिम्स जो कि प्लास्टिक्स या रबर्स को डैमेज भी कर सकते हैं। कॉस्टिक सोडा जैसे केमिकल्स अपनी गाड़ी पर इंटीरियर क्लीनिंग के लिए ना यूज़ करें, और अगर आप बाहर भी किसी क्लीनर को अपनी गाड़ी दे रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वो आपकी गाड़ी पर यूज़ नहीं करें, क्योंकि उस टाइम तो इंटीरियर क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगा, फटाफट पैनल सारे साफ़ हो जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपकी गाड़ी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लीनर से आपकी गाड़ी की छत क्लीन की जाए तो छत के रेशे भी जल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी लग्जरी व्हीकल है तो वो छत जो है वो ड्रूप भी कर सकती है, प्लास्टिक का कलर फेड हो सकता है। तो वाइल गेटिंग योर इंटीरियर्स क्लीन, ऑलवेज मेक श्योर कि उस पर माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। इंटीरियर क्लीनिंग करने के बाद अब हम अलॉय व्हील्स को पेंट करने वाले हैं। एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट वो चाहते थे कि हम गाड़ी के अलॉय व्हील्स को वाइट कलर में पेंट करें। तो अभी जो अलॉय व्हील्स के पेंटिंग का प्रोसेस आप देखेंगे उसमें हमने अलॉय व्हील्स को वाइट कलर में पेंट किया है। अगर मैं अलॉय व्हील्स के पेंटिंग ऑप्शंस की बात करूं तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो या तो सिल्वर या फिर ब्लैक का ऑप्शन चूज़ करते हैं, बट यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ ब्रॉन्ज, गोल्ड, कई लोग अपने गाड़ी के अलॉय व्हील्स को रेड फिनिश भी देते हैं। तो यू कैन प्ले अराउंड विद अलॉय व्हील्स अ लॉट एंड यू कैन कस्टमाइज योर कार एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमने गाड़ी को ऑलरेडी IPA से क्लीन कर लिया है, ये प्रोसेस हमने दिखाया नहीं है, बट अब हम लगा रहे हैं गाड़ी पर सिरेमिक कोटिंग। हमने आपको इस चैनल पर पहले भी बताया है, बट जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, IPA इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो पॉलिशिंग के बाद जो ऑयल सरफेस पे छूटते हैं उन्हें हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। पेंटेड सरफेस पे से सारी चिकनाहट अच्छे से हटा लेनी ज़रूरी है ताकि हम सिरेमिक कोटिंग का एप्लीकेशन कर सकें। और आपको अभी से दिख रहा होगा कि गाड़ी पर कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग से ऑलरेडी कितना ग्लॉस आ चुका है। सिरेमिक कोटिंग के बाद ये ग्लॉस और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। एक्सटीरियर भी कम्प्लीटली डिटेल हो चुका है, इंटीरियर भी हमने कम्प्लीटली क्लीन कर दिया है। वीडियो में अभी तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं गाड़ी के फाइनल शॉट्स। आई होप यू लाइक द फिनिश।